नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6। आज हम इसका तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। z बराबर z बटा z प्लस 15 बराबर 4 बटा 9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूरी रकम के नीचे z के नीचे एक ही हर है, इसके अलावा प्लस माइनस कुछ नहीं। इसी प्रकार से राइट साइड पर भी सिर्फ एक 4 बटा 9 ही है, इसके अलावा प्लस माइनस कुछ भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति जब भी हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस प्रकार से इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 जो है वो z से गुना होकर बन जाएगा 9z बराबर 4 जो है इधर गुना होगा 4, अब z से गुना होगा तो बन जाएगा 4z प्लस 4, फिर 15 से भी गुना होगा तो 4 गुना 15 हो जाएगा, 15 चौके 60। अब हमें इसे हल करना है। z वाली रकमें एक तरफ ले आओ, बिना z वाली दूसरी तरफ। ये बराबर का निशान है, 4z यहाँ प्लस का है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है। लेकिन जब यह बराबर को क्रॉस करके उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये आ गया 9z माइनस 4z, 60 यहाँ पर है, इसे यहीं पर रहने देते हैं। आगे देखें, इसके बाद 9z में से 4z माइनस कर दो तो हमारे पास आता है 5z बराबर इधर है 60। अगले स्टेप में देखिए, ये है 60, 5 इधर z के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये आपस में कट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 12 5 60। पहाड़े आने बहुत जरूरी हैं बच्चों, पहाड़े आते होंगे तो आप इनको आराम से कर पाएंगे। तो 12 को 1 से भाग करके आ गया 12। इस प्रकार से हमें यह समीकरण हल करने के लिए कहा गया था। यह समीकरण में जो चर थी वो थी z, और समीकरण हल करने का मतलब होता है चर का मान ज्ञात करना। चर थी z में, z का हमने मान ज्ञात कर दिया है, वो हमारे पास आया है z बराबर 12। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही हमें और मेहनत करने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद।